नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व आजमगढ़ चुनाव प्रभारी गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ में होने वाला यह उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे देश को संदेश देने वाला है। इस बार आजमगढ़ की जनता परिवारवाद और जातिवाद के बंधनों को तोड़ करके मोदी जी और योगी के विकासवाद की ओर कदम बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पूरी दुनिया में भोजपुरी माटी और भोजपुरी संस्कृति का गौरव बढ़ाने का काम किया है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर भेजा है और आजमगढ़ के लोगों को भरपूर समर्थन और स्नेह दे रहे हैं। जिन लोगों को ये भ्रम है कि आजमगढ़ समाजवादियों की धरती है, ये चुनाव उनका भ्रम तोड़ देगा और ये साबित करेगा कि आजमगढ़ की धरती राष्ट्रवादी और विकासवादियों की धरती है। इस मौके पर मौजूद श्रम सेवा योजन समन्वय विभाग मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अनिल राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव को लेकर के बहुत ही उत्साहित हैं। इस बार लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ की जनता भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को सांसद के रूप में चुनकर लोकसभा में एक कमल आजमगढ़ से भेजने का कार्य करेगी। हमारा संगठन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। सभी 311 शक्ति केंद्र पर हमारी बैठक कर पूरी हो चुकी है और जिले का संगठन चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सभी लोगों की भूमिका तय की जा चुकी है और प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कार्य में जुट गया है। बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता अपने बूथ समितियों के साथ एक एक घर का भ्रमण कर मोदी और योगी जी के कार्यों और उनके संदेशों को पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही संघर्षशील हैं और अपने संघर्ष के बल पर किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल करने में की योग्यता रखता है। न्यूज टाइम भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। हमने जो रुझान देखा है ग्रामों में जाने के बाद, लोगों में लोग चौपाल लगा के बात सुनने के बाद, अपना बात बताने के बाद, लोग एवं इस बात को आ गई है कि ये लोग वोट लेकर चले जाएंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे, न तो कोई बात सुनेंगे, न किसी को पीछे से कुछ परिवर्तन करेंगे। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान। देखिए, इस बार सारा समीकरण ध्वस्त होने जा रहा है। राजभर विकास के साथ चलना चाहता है, अपने सम्मान के साथ। कभी किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि पूर्वांचल की धरती पर, वो भी आजमगढ़ की माटी पर, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी बड़ी श्रद्धांजलि अर्पित करेगी, विश्वविद्यालय बनाने का काम करेगी। गाजीपुर के अंदर प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के नाम का डाक टिकट जारी करते हैं और सरकारी दस्तावेजों में राजभर समाज के नाम को आगे बढ़ाने का काम करती है। उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार राष्ट्रवीर पॉकेट के थे नहीं, आज उनको दिया गया। आज हमारी सरकार ने, आप मोदी जी की सरकार को देख लें, आप उत्तर प्रदेश की सरकार को देख लें, अभी एक सकारात्मक दृष्टि से आज जनता सोच रही है। हमारे नौजवान गए ओलंपिक, ऐतिहासिक जीत दर्ज करके आए, ऐतिहासिक सफलता लेकर आए। उत्तर प्रदेश पहली ऐसी सरकार थी देश के अंदर जिसने सभी मिडिलिस्टों को बुलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर सम्मान किया और आज हमें फख्र है कि देश की पहली खेल यूनिवर्सिटी आज मेरठ के अंदर मेजर ध्यानचंद के नाम से हम बनाने जा रहे हैं। तो हम विकास को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक सवाल कर लिया है, वो गैप हम पूरी तरीके से भरना चाह रहे हैं। और जो कि वही बात तो हमने कहा कि जो जिस जनता ने, जिस क्षेत्रों में हमें सफलता नहीं भी मिली, वहाँ की जनता के अंदर आज हम लोग छटपटाहट महसूस कर, आज जो भारतीय जनता पार्टी के इस सरकारों के साथ चलना चाहते हैं, अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और इसलिए डबल इंजन की सरकार के साथ चलने का वो फैसला किया। उन्हें पता है कि हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर क्या करेंगे, इनकी सरकार तो है नहीं, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, विकास तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कल ओमप्रकाश राजभर लोकसभा के प्रभारी के रूप में हम लोग काम देख रहे हैं, लगातार हम 8 तारीख से हैं कल। आप 2019 के चुनाव को देखें, 2019 के चुनाव को अगर उदाहरण देखिए तो कन्नौज और बदाम की निर्वाचन, जिस समय बुआ बदला दोनों मिलकर चुनाव लड़े, सरकार जगत से लोग हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं कि उनको अपरिहार्य कारण था इस्तीफा देना, ऐसा तो नहीं था कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी थी
और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना था, इसलिए परिहार था, उनको इस्तीफा दे देना था। 2022 के चुनाव में जनता ने उनको नकार दिया, उनको जनमत मिला नहीं, जनादेश मिला नहीं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस कारण से आजमगढ़ में उप चुनाव की परिस्थिति उत्पन्न हुई। तो यहाँ की जनता भी इस बात को समझती है कि इन्होंने आजमगढ़ की जनता को सम्मान दिया था उनको, लेकिन उन्होंने इसके बदले उनको अपमान दिया, अपमान दिया। इस नाते कि यहाँ की जनता ने भी इस बात को फैसला ले लिया कि इस बार हम परिवर्तन करके ही रहेंगे। और जिन लोगों को इस बात का गुरूर होगा जाति और धर्म के आधार पर, ये कन्नौज और इटामा और मैनपुरी जैसे जगहों पर ये मिशन टूट गया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा गया है। और अपनी सक्रियता को, जनता की सेवा को और सेवा के भाव को, जनता की सेवा के प्रति जो समर्पित है हमारी सरकार, भाव को लेकर बहुत ही सक्रियता से हम धरातल पर भी जा रहे हैं। अभी गरीब कल्याण जनसभा हम सब लोगों ने किया है, उसमें भी प्रदेश की गरीबों का जो समर्थन, मजदूरों का जो समर्थन, जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनका समर्थन, अति दलित जातियां हैं जो उनका समर्थन, आज हम ये कह सकते हैं कि जिस विश्वास के साथ जनता ने उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जहां हमें सफलता नहीं मिली, हम लोगों ने ये महसूस किया जनता के बीच में जाकर कि जनता छटपटा रही है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, हमें सकारात्मक, हमें पॉजिटिव वोटिंग करना है, हमें नकारात्मक फैसला नहीं करना है। तो दिल्ली से लेकर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सरकार के साथ रहेंगे तो हमारा ज़्यादा विकास होगा, हमारे जिले का ज़्यादा विकास होगा, हमारा ज़्यादा काम होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के विकासवादी जो नीति है उसके साथ चलने का फैसला आजमगढ़ की सम्मानित जनता ने लिया है और परिवारवाद को पूरी तरीके से खत्म करने का संकल्प लेती हुई यहाँ की जनता दिख रही है। अनिल, आप सभी साथियों को मैं यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ जो आपके सम्मानित दर्शक हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र का चुनाव चल रहा है, हम लोग जो मतदाताओं से मिल रहे हैं, जिस तरह का समर्थन और प्यार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश यादव जी को मिल रहा है, उस आधार पर हम कह सकते हैं आजमगढ़ को धोखा देने वालों को सबक सिखाने का फैसला यहाँ की सम्मानित जनता ने लिया। और एक ऐतिहासिक मतों से दिनेश जी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। दिनेश जी का भी पिछले चुनाव के बाद से जिस तरह से यहाँ आना जाना, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के सुख दुख में शामिल होने का क्रम जो उनका बना रहा, ये भी हमारे पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहा है। अभी उत्तर प्रदेश से लेकर और देश तक भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, पूज्य मोदी जी की सरकार ने 8 वर्ष पूरा किया है, बहुत ही तेज गति से उत्तर